हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शुभेंद्र सरकार और आप सभी का स्वागत है रिदम लेसन पर। आज का जो विषय है वो हम गज़ल का ठेका जानेंगे, किस तरीके से स्लोक कहरवे में बजता है और अधिकतर ये ठेका यूज़ किया जाता है गज़लों में। तो आइए उसको सीखते हैं और देखते हैं। उससे पहले छोटा सा एक उठान नुमा जिससे हम शुरू करेंगे। मैंने उसका उठान टाइप का जो मुखड़ा बजाया उसको देख लेते हैं। तो इसको पहले सीख लेते हैं भाई। तो इसके बोल क्या है? देखिए, ता के साथ एक टोका है इधर, ता ता ते टे उल्टा बजा है, ता ता ते टे ताक ते टे है ना? पहले ता के साथ टोका है, दूसरे ता के साथ नहीं है, और फिर ते टे और फिर ताक का को इस तरीके से बजाइए, ताक ते टे। ये तो दो बार है। उसके बाद क्या है? ता ता ती ता ती ता के ना, ता ता ती ता ती ता के ना, धा ती, देखिए धा ती धा ती रिकिट तक ती रिकिट। तो सबको एक बार स्लो में बजा देते हैं। तो इसको सीख लेते हैं ये क्या क्या बोल है। देखिए धिक किस तरीके से, धी ग धा तिटा धिक तेटे, धा तिता धिक तेटे, धा तिता धिग तेटे, है ना? उल्टा चिट्टे आप बजा सकते हैं या फिर इस तरीके से भी बजा सकते हैं, क्योंकि स्लो पैटर्न है तो आप तो उसको अपने तरीके से बजा सकते हैं। उल्टा तेटे या फिर उल्टा तेटे या फिर पूरे हाथ का तेटे भी यूज कर सकते हैं। या फिर ता ता ती ता, है ना? धा ती ता धिक ते टे ता ता ती ता धिक 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 धिक, इस तरीके से। धिक धिक धा, धा में प्रेशर आया कैसे? धा धागे ना तिक, धा धागे ना, धा धागे ना तिक, या फिर धिक भी बोल सकते हैं। धा धागे ना, देखिए धा 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 कैसे, धा और फिर रिवर्स आके फिर धा, धा धागे ना, धा धागे ना धिक धिक तेटे, और फिर ता ता ते ते ता ता ते ते धिक धिक। ये वाला धिक ओपन है और फिर दूसरा वाला धिक म्यूट में है। ना? और धा धा में एक लोच किस तरीके से, धा धागे ना धिक, है ना? धा धागे ना धिक ऐसे नहीं है,
ध ध गे न अधिक है ना, ध ध गे न अधिक, वहां पे थोड़ा सा पॉज करके और धा को म्यूट करके दूसरा वाला धा, इस तरीके से आपको बजाना है। ये भी एक स्टाइल है, बट वो भी एक स्टाइल है। देखिए मैं दोनों स्टाइल एक ही बोल के दो दो स्टाइल में बजा के दिखा रहा हूं। तो सबसे पहला वाला, अब दूसरा वाला, है ना, लोच के साथ उसको स्टॉप करके पहले धा को और उसका जितना सारा डिस्टेंस था उसको खाली रख के दूसरा वाला धा अपनी जगह से उठा के फिर बजाना है। मैं आपको बजा के एक बार और दिखाता हूँ। है ना, धा धागे ना अधिक, धागे ना को एक साथ मैंने मिला दिया। तो इस तरीके से आप भी बजा सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए इसे मुखड़ा बोलते हैं। जैसे गाना खत्म होता है, गाने का एक लाइन खत्म होता है, तो जब दूसरा लाइन शुरू होता है तो उसी बोल को हम कंटिन्यू नहीं बजाते हैं, उसके बीच में एक मुखड़ा बजाने के बाद दूसरा बोल शुरू करते हैं। जैसे क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे दो गाने के अलग अलग लिरिक्स को मिलाए जाते हैं, दो लाइंस को मिलाए जाते हैं। तो ये क्या था, धा ते ते तिन ना ना कीटे ताक तीरे कीटे, और फिर ताक ते ते दिख धाना नाक, दिख धाना नाक ताक ते ते दिख धा ना नाग, और फिर इसी को रिपीट, धिक आना नाग या फिर धिक घिना नाग, धिक घिना नाग, धिक घिना नाग भी बजा सकते हैं। धिक घिना नाग, घे ना नाग है ना। तो उसको स्लो में बजा के देखते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा और चेंजेस बाहर आया। पहले वाला इसका पल्ला सेम है, और फिर धिक त्रिकिट धिक धिक, पहले वाला धिक थोड़ा सा म्यूट और दूसरा वाला धिक बिल्कुल ही म्यूट। है ना, तो इस तरीके से गजल में बजाते हैं। देखिए जब शुरुआती म्यूजिक शुरू होता है तो आप इस तरीके से इन ठेकों के साथ ये बजा सकते हैं। इस तरीके से है, या फिर त्रिकिट दिन भी बजा सकते हैं। तो धग तट दिन, देखिए दिन, और फिर तेटे धग तट धिन तेटे धिन तेटे धा धागे ना धग त्रिकिट दिन। देखिए धा म्यूट में है,
के ओपन में तीन तिरकिट तीन तेटे तीन के साथ एक का भी है इस तरफ तीन तेटे है ना और फिर ता ता के ना या फिर इसके अलावा ता ता के ना की जगह ता 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 के तिरकिट है ना कीट यूज कर सकते हैं इस तरीके से आप इसका म्यूजिक का फिलर भी भर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो गज़लों के जो लग्गिया होती है वो किस तरीके से हम उठान उसके साथ और लग्गिया कैसे बजाएंगे उसको देखेंगे तो आज का वीडियो यहीं तक बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही साथ में बने रहें और जो नए मित्र आए हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन दबा दें और इसको शेयर भी कर दें बहुत बहुत धन्यवाद।